Welcome to today's class. Today we will discuss the topic DNA fingerprinting. हमारा शरीर सेल्स से बना हुआ होता है. हर एक सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं. ये जो क्रोमोसोम्स है, इस क्रोमोसोम में जो जीन्स होते हैं, दैट जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इनहेरिटेंस ऑफ क्रोमोसोम्स. तो जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स डीएनए से बने हुए होते हैं. एंड ये जो जीन्स है, क्रोमोसोम्स में जो जीन्स होते हैं, वो जीन्स हमारे कैरेक्टर्स डिटरमाइन करते हैं. मतलब हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन्स, एज वेल एज जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स है उसके लिए भी जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्नल एंड मैटर्नल जीन्स वी डिफर फ्रॉम अवर पेरेंट्स. ये मदर है, ये फादर है, ये है फीमेल गैमिट दैट इज एग, एंड ये है मेल गैमिट दैट इज स्पर्म. तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट फ्यूज होते हैं. जो फीमेल गैमिट है वो भी हैप्लॉइड रहते हैं, मेल गैमिट्स भी हैप्लॉइड रहते हैं. ह्यूमन बींग में फीमेल गैमिट्स में 23 क्रोमोसोम्स एंड मेल गैमिट्स में भी कितने क्रोमोसोम्स? 23 क्रोमोसोम्स. एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमिट एंड मेल गैमिट टेक्स प्लेस टू फॉर्म जाइगोट. फर्टिलाइजेशन के वक्त मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट फ्यूज होते हैं, एंड मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट फ्यूज होने से ये जाइगोट बनता है. जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46. मतलब जाइगोट क्या है? डिप्लॉयड है. तो ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट से न्यू इंडिविजुअल बनेगा. न्यू इंडिविजुअल इससे बनेगा. तो जो न्यू इंडिविजुअल है, हर एक इंडिविजुअल है, इस हर एक इंडिविजुअल में जो आधे क्रोमोसोम्स मदर से रहेंगे मतलब मैटरनल, एंड आधे क्रोमोसोम्स फादर के रहेंगे मतलब पैटर्नल. तो जब फर्टिलाइजेशन के वक्त मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट फ्यूज होते हैं, तो क्या होता है इसका? रिकॉम्बिनेशन. क्या होता है इसका? रिकॉम्बिनेशन. एंड यही वजह है कि हम हमारे पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, क्योंकि हम हर इंडिविजुअल में मदर एंड फादर के आधे आधे क्रोमोसोम्स होते हैं. ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्नल, पैटर्नल मतलब फादर के, एंड मैटर्नल, मैटर्नल मतलब मदर के जीन्स वी डिफर फ्रॉम अवर पैटर्न पेरेंट्स. डिफरेंसेस ऑल्सो अराइज ड्यू टू फ्रिक्वेंट म्यूटेशन दैट ऑकर्स ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन. ये जो गैमिट है, गैमिट्स आर हैप्लॉइड. गैमिट्स हैप्लॉइड होते हैं. मेल गैमिट्स में 23 क्रोमोसोम्स है, फीमेल गैमिट्स में भी 23 क्रोमोसोम्स है. मतलब गैमिट्स हैप्लॉइड होते हैं. हैप्लॉइड होते हैं इसका मतलब जो गैमिट्स है वो मियोसिस से बनते हैं. मियोसिस, ये जो डिवीजन है, मियोसिस जिस डिवीजन से गैमिट बनते हैं, दैट डिवीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन डिवीजन. तो जो मियोसिस है, मियोसिस में जो फर्स्ट स्टेज होती है, मियोसिस वन, उस मियोसिस वन में क्रॉसिंग ओवर होता है. क्रॉसिंग ओवर, तो उस क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर में थोड़ा सा जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है. सो वेरिएशन आ जाता है. मियोसिस से भी वेरिएशन आता, एंड रिकॉम्बिनेशन से भी वेरिएशन आता. तो डिफरेंसेस ऑल्सो अराइज ड्यू टू फ्रिक्वेंट म्यूटेशन एंड दैट ऑकर्स ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन. जो गैमिट है वो मियोसिस से बनते हैं. मियोसिस के वक्त क्रॉसिंग ओवर होता है, एंड उस वक्त थोड़ा सा म्यूटेशन मतलब सडन चेंज हो जाता है जेनेटिक मटेरियल में. एंड ये ही दो वजह है, एक तो रिकॉम्बिनेशन एंड दूसरा है मियोसिस ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन. ये दो वजह है जिसकी
कारण जिसके कारण हम हमारे पेरेंट्स से डिफर होते हैं। ड्यू टू ऑल दिस फैक्टर्स एवरी इंडिविजुअल हैज़ इट्स यूनिक जेनेटिक मेकअप विच मे बी कॉल्ड इट्स फिंगरप्रिंट। तो इसी के कारण हर इंडिविजुअल का जो जेनेटिक मेकअप होता है वो यूनिक होता है, वो किसी के साथ मैच नहीं होता। सबका जेनेटिक मेकअप अलग अलग होता है एंड इसी को बोलते हैं फिंगर प्रिंट्स। मतलब जो मेरा जेनेटिक मेकअप है वो अलग है, आपका जेनेटिक मेकअप है वो अलग है। तो जो मेरा जेनेटिक मेकअप हो गया वो हो गया मेरा फिंगर प्रिंट, आपका जेनेटिक मेकअप हो गया आपका फिंगर प्रिंट। द टेक्निक डेवलप टू आइडेंटिफाई पर्सन विद द हेल्प ऑफ डीएनए रेस्ट्रिक्शन एनालिसिस इज नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग। तो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग, ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक के मदद से व्यक्ति को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को आइडेंटिफाई कर सकते उसके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, उसके डीएनए से, दैट इज़ कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्योंकि हर इंडिविजुअल का जो डीएनए होता है वो यूनिक होता है, तो ये जो उसका यूनिक डीएनए है ये हो गया उसका फिंगरप्रिंट। तो हर व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को उसके डीएनए से आइडेंटिफाई करना, दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग। द टेक्निक डेवलप टू आइडेंटिफाई पर्सन विद द हेल्प ऑफ डीएनए रेस्ट्रिक्शन एनालिसिस इज नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग। तो ये जो टेक्निक है, सबसे पहले डिस्कवर की थी टेक्निक एलेक्स जाफरी ने। सो दिस टेक्निक वॉज डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट एलेक जाफरी। तो ये टेक्निक सबसे पहले डिस्कवर, सो टेक्निक ऑफ फिंगर प्रिंटिंग वॉज फर्स्ट गिवन बाय ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट डॉक्टर एलेक जाफरीज इन 1994। डॉक्टर एलेक जाफरीज इन 1984। तो डॉक्टर एलेक जाफरी जो है, इन्होंने सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक इन्होंने डिस्कवर की। तो यह है एलेक जाफरी। नेक्स्ट जो है, ये जो हमारा डीएनए होता है, सबका जो डीएनए होता है, जैसे ये हमारा डीएनए है, ये मैंने डीएनए निकाला, तो जो डीएनए है सबका डीएनए 99% सेम होता है। ये जो डीएनए है, ये हमारा डीएनए 99.9% हम सबका क्या होता है, सिमिलर होता है। लेकिन जो 0.1% डीएनए होता है वो सबका अलग अलग होता है। ये जो डीएनए है इसे बोलते सैटेलाइट डीएनए, इट इज़ कॉल्ड एज सैटेलाइट डीएनए। तो ये जो सैटेलाइट डीएनए है, इस सैटेलाइट डीएनए के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। सैटेलाइट डीएनए की जो प्रॉपर्टीज़ है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है सैटेलाइट डीएनए की कि इट इज़ नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग मतलब ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं करता, कोई भी प्रोटीन के लिए ये कोडिंग नहीं करता। दूसरी बात ये है कि ये जो डीएनए है इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म होता है। इसके अंदर क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, मतलब हमारी जो जेनेटिक लेवल है वो अलग अलग है, हम जेनेटिक लेवल पर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, इसके अंदर वेरिएशन होता है। तो इसके अंदर, इसे जंक डीएनए भी बोला जाता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज जंक डीएनए। तो ये जो सैटेलाइट डीएनए है, इस सैटेलाइट डीएनए की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? पहली प्रॉपर्टी है कि ये नॉन कोडिंग है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म होता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे
हर किसी का ये सैटेलाइट डीएनए अलग अलग होता है, मतलब हम जेनेटिक लेवल पर सब अलग अलग होते हैं। दूसरी बात यह है कि इसे जंक डीएनए भी बोलते हैं, दिस डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड एज जंक डीएनए। तो ये जो सैटेलाइट डीएनए है इसके अंदर कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जो बहुत बार रिपीट्स होते हैं। सैटेलाइट डीएनए में कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, ये जो सीक्वेंसेस है वो बहुत बार रिपीट्स होते हैं, बहुत बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि अब ये ATTG इसके अंदर है, ये ATTG देखिए, ATTG, तो कितने बार रिपीट हुआ, ये 3 बार रिपीट हुआ, किसी किसी में 4 बार रिपीट होगा, किसी किसी में ये 5 बार रिपीट होगा। मतलब इसकी जो रिपीट होने की जो टेंडेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, वो भी अलग अलग है। तो ये जो सैटेलाइट डीएनए है, सैटेलाइट डीएनए में कुछ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो इसकी जो रिपीटेशन की जो मेथड है वो भी अलग अलग है, किसी के अंदर 3 बार, किसी के अंदर 4 बार, किसी के अंदर 5 बार। तो ये इसे बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, इसे बोलते हैं वेरिएबल, इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, मतलब VNTRS, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज VNTRS। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो VNTRS है, ये VNTRS सबके अलग अलग होंगे, किसी के VNTRS किसी के साथ मैच नहीं होंगे। एंड इसी से व्यक्ति को, किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसके VNTRS से। सो इट इज़ द की फैक्टर, ये जो है ना VNTRS, इट इज़ अ की फैक्टर इन DNA फिंगरप्रिंटिंग, इट इज़ अ की फैक्टर इन DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग में की फैक्टर क्या हो गया, DNA फिंगरप्रिंटिंग मतलब किसी भी इंडिविजुअल को उसके DNA से आइडेंटिफाई करना। लेकिन हमारा जो 99.9% DNA है वो सबका एक जैसा होता है, एंड जिसे बल्क DNA बोलते हैं, एंड 0.1% हमारा जो DNA है वो सबका अलग अलग होता है, यूनिक होता है। ये DNA किसी का किसी के साथ मिलता नहीं। तो इस डीएनए को सैटेलाइट डीएनए बोला जाता है। इस सैटेलाइट डीएनए के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। पहली प्रॉपर्टी है नॉन कोडिंग, मतलब ये किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता। इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, एंड इट इज़ कॉल्ड एज जंक डीएनए। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब इसमें जो कुछ न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंसेस है, वो न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन वो सबके डीएनए के अंदर अलग अलग होते हैं। जैसे ये एक व्यक्ति में होगा ऐसा ATTG 3 बार रिपीट हुआ, लेकिन दूसरे किसी व्यक्ति में ये जो सीक्वेंसेस है ये अलग होंगे, एंड इसका जो रिपीटेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी अलग होंगी। तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, VNTRS सैटेलाइट डीएनए में पाए जाते हैं, एंड इट इज़ द की फैक्टर इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग। तो किसी भी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना है तो सैटेलाइट डीएनए काम का है। तो सैटेलाइट डीएनए को किस तरह से सेपरेट करते हैं वो हम देखेंगे। तो सैटेलाइट डीएनए काम का है, बाकी का डीएनए काम का नहीं, किसी भी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना है तो जैसे देखिए, यहाँ पर एक मैंने ये ए निकाला, तो ये जो है ये है विक्टिम फॉर एग्जांपल, एंड ये जो विक्टिम है इसका समझ लो इसके साथ कुछ गुनाह हुआ है, क्राइम हुआ है, लेकिन जो क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल यहाँ से भाग चुका है,
इस क्रिमिनल को पकड़ना है या फिर इसको आइडेंटिफाई करना है, तो इसका अगर हमें डीएनए मिल जाता है तो उस डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग करके हम फिर वो जो फिंगरप्रिंट है वो जिसके जिसके ऊपर ऐसा लगता है हमें कि जिस किसी ने क्राइम किया है ऐसा अगर संदेह है, तो उस व्यक्ति उस सारे इंडिविजुअल के साथ वो अगर फिंगरप्रिंट मैच किया जाएगा और जिसके साथ मैच होगा वो होगा क्रिमिनल, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो ये जो क्रिमिनल है, इसने जब ये क्राइम किया था, इस विक्टिम को मारा था या फिर जो भी कुछ किया था, लेकिन ये भाग गया, यहाँ पर कुछ एविडेंसेस नहीं है, नो एविडेंसेस, तो ऐसे केस में अगर इस क्रिमिनल का ब्लड यहाँ मिल जाता है, ब्लड या फिर इस क्रिमिनल का हेयर फॉलिकल जो है, हेयर रूट अगर मिल जाता है इस क्रिमिनल का, हेयर रूट मिल जाता है इस क्रिमिनल का, या फिर देखिए ब्लड या फिर ये हेयर रूट या फिर उसका स्किन, स्किन के सेल्स अगर मिल जाते हैं, एपिथेलियल सेल्स स्किन, तो ये जो मटेरियल है इससे ये जो मटेरियल है ब्लड या फिर हेयर रूट या फिर स्किन कुछ भी अगर इस क्रिमिनल का इस विक्टिम के पास इसके बॉडी पे मिल जाता है, तो इससे हम इस ये जो सेल्स हैं इससे इसका जो डीएनए है वो डीएनए हम सेपरेट करेंगे, डीएनए हम इसके आइसोलेट करेंगे, इसका डीएनए हम आइसोलेट करेंगे। तो डीएनए आइसोलेट करने के बाद अब ये जो डीएनए है, ये डीएनए तो आइसोलेट कर लिया, समझ लो ये डीएनए है मिल गया हमें, इसे बोलेंगे हम होस्ट डीएनए, इसे बोलेंगे हम होस्ट डीएनए। अब ये जो डीएनए है, इस डीएनए में क्या है, दोनों भी पार्ट है, मतलब इसमें जो बल्क डीएनए भी है, इसमें बल्क डीएनए है जो 99.9% होता है, एंड इसमें सैटेलाइट डीएनए भी है, इसमें सैटेलाइट डीएनए भी है जो सिर्फ 0.1% होता है। तो हमें चाहिए इसका सैटेलाइट डीएनए। तो सैटेलाइट डीएनए को सेपरेट करने के लिए एनसीईआरटी में भी और बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे टेक्निक्स दिए हैं, तो उसमें डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ये जो टेक्निक है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से इस बल्क डीएनए से सैटेलाइट डीएनए को सेपरेट किया जा सकता है, जिसमें देखिए इसमें एक सुक्रोज सॉल्यूशन लिया गया है, इसमें है सुक्रोज सॉल्यूशन, ये जो सुक्रोज सॉल्यूशन है, इस सुक्रोज सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है, सुक्रोज सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो ऊपर कम है एंड नीचे ज़्यादा है, ऊपर लेस डेंसिटी, क्या है इसकी लेस, लेस डेंसिटी एंड नीचे इसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, मोर डेंसिटी, मतलब इसकी जो डेंसिटी है वो नीचे आते आते बढ़ जाती है। तो इस डीएनए को, ये होस्ट डीएनए को इस सुक्रोज सॉल्यूशन में डाल दिया गया, ये सुक्रोज सॉल्यूशन में होस्ट डीएनए को डाल दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि जो बल्क डीएनए है इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और ये जो सैटेलाइट डीएनए ये बहुत कम है 0.1%, तो इसकी उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसका सेंट्रीफ्यूगेशन क्या किया जाएगा, इसका इसका किया जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद हमें मिल जाएगा, ये देखिए इसका जो बल्क डीएनए है वो बल्क डीएनए की जो डेंसिटी है, बल्क डीएनए की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से बल्क डीएनए जो है वो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से बल्क डीएनए बेस पे होगा, ये है बल्क डीएनए, दिस इज़ बल्क डीएनए जो होता है 99.9%, एंड जो सैटेलाइट डीएनए है वो सैटेलाइट डीएनए जिसकी डेंसिटी कम होने की वजह से ये ऊपर रहेगा, ये है सैटेलाइट डीएनए। तो इस तरह से
ये जो डीएनए है, सैटेलाइट डीएनए एंड बल्क डीएनए, ये डीएनए अकॉर्डिंग टू देयर मास सेपरेट हो गए। तो अब ये जो सैटेलाइट डीएनए है, सैटेलाइट डीएनए का यूज़ किया जाएगा फिंगर प्रिंटिंग के लिए। तो हम ये जो टेक्निक्स है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की टेक्निक्स हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।